नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों यूज ऑफ लेटर्स। दैनिक जीवन में बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए दोस्तों, लेटर्स और स्पीकिंग में इसको लेट्स बोला जाता है, तो लेट्स बोलिए या लेटर्स बोलिए एक ही बात होता है। सबसे पहले देखिए कि लेटर्स का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों आओ। तो आओ शब्द जहां पर भी बोला जाता है तो उसके लिए हम लगाते हैं लेटर्स। और लेटर्स का यूज कब किया जाता है? इसका यूज किया जाता है दोस्तों कि जब हम किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखते हैं, यानी एनी प्रपोजल, किसी के सामने कोई भी प्रस्ताव रखते हैं तो वहां पर प्रस्ताव रखते समय लेटर्स का यूज किया जाता है। और बिल्कुल क्लियरली आप जानते हैं, आप समझ के देखिए दोस्तों कि जब आप किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखते हैं तो वो प्रस्ताव हमेशा ही अफर्मेटिव होता है, प्रस्ताव कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता है। तो इसमें बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल नहीं आता है, केवल अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस आता है, क्योंकि प्रस्ताव हमेशा अफर्मेटिव में हो सकता है। तो देखिए अब थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रूल्स होते हैं हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, क्योंकि अफर्मेटिव होता है सेंटेंस केवल, तो सबसे पहला स्थान जो होता है दोस्तों प्लीज का होता है। सबसे पहले प्लीज आता है कि यदि कृपया शब्द बोला जाता है तो कृपया शब्द के लिए प्लीज स्टार्टिंग में आएगा, और फिर आता है हमारा लेटर्स, फिर हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ये रहा हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर दोस्तों लेटर्स के लिए। प्लीज शब्द कृपया शब्द के लिए है कि अगर कृपया शब्द बोला जाता है तब प्लीज आ जाता है, अदरवाइज यहां से स्टार्ट होता है वाक्य। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आओ खेलें, आओ खेलें, तो यहाँ पर क्या, लेट अस प्ले, आओ खेलें, लेट अस प्ले। तो आओ शब्द के लिए लेट अस का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी आप बोल सकते हैं लेट्स प्ले, आओ खेलें। इसी तरह मैंने कहा आओ आओ खाना खाएं, आओ खाना खाएं, लेट अस ईट द फूड, आओ खाना खाएं। इसी तरह से दोस्तों मैंने कहा कृपया आओ शिकार करें, कृपया आओ शिकार करें, तो कृपया शब्द के लिए प्लीज स्टार्टिंग में बोला जाता है दोस्तों। तो प्लीज प्लीज लेट अस हंट, आओ कृपया शिकार करें, या कृपया आओ शिकार करें। इसी तरह मैंने कहा कि आओ अध्यापक के पास चलें, आओ अध्यापक के पास चलें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लेट अस गो टू द टीचर, लेट अस गो टू द टीचर, आओ अध्यापक के पास चले। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि आओ व्यायाम करें, आओ व्यायाम करें, लेट अस टेक एक्सरसाइज, लेट अस टेक एक्सरसाइज, आओ व्यायाम करें। आओ तैरें, क्या होगा दोस्तों, लेट अस स्विम, आओ तैरें। तो इस तरह से आप किसी के सामने कोई भी प्रस्ताव रख सकते हैं, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर आपका फॉलो किया जाएगा, लेट अस फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट टाइम। तो इस तरह से, क्योंकि निगेटिव में हो नहीं सकता प्रस्ताव, तो केवल अफर्मेटिव टाइप ही सेंटेंस इसके अंदर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा यूज ऑफ लेटर्स। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा दोस्तों।
अगली वीडियो हमारी टेंस की होगी दोस्तों, तो बिल्कुल अगली वीडियो में बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।